हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 21 एंड 22। यहाँ पर फाइंड करना है आपको क्यूब रूट इन दोनों का, तो चलिए वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो पहले है 21 आपका, 21 ओके सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर 833 का हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, लेकिन एक और 7 नहीं मिल रहा, क्योंकि 37 रहेंगे तभी आप इसका क्या कर सकते हैं, 7 को बाहर निकाल सकते हैं और इसका क्यूब रूट फाइंड करने में कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे ही आप फैक्टराइज करके देख लेंगे हमेशा कि क्या आपको मिल रहा है। तो 833 का परफेक्ट, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि 833 जो है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है और उनके बीच में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं। सिंस वी नो दैट, सिंस 833 ये किस किस मिलाई करता है, ये ग्रेटर होता है 830 से लेकिन लेस होता है 840 से। ठीक है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 830 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 833 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 840। कहने का मतलब है कि यदि ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है तो इनका इसका क्यूब रूट भी लाई करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, ओके तो इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट टेबल से। तो 830 का क्या होगा देखते हैं। 83 आपको ढूंढना है, 83 का 30 मतलब 10x वाले टेबल कॉलम में, तो 10x वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा 9.398 और 84 का मिल जाएगा, 840 का मिल जाएगा ये 9.435। तो इसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ जानते हैं एक बात कि इन नंबर्स में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके क्यूब रूट के डिफरेंस के। तो उसी बात को हम लिख देंगे, उस प्रिंसिपल को यहाँ पर लिख लेंगे। वी नो दैट, ओके वी नो दैट द डिफरेंस इन नंबर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन देयर क्यूब रूट्स। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए क्या होगा 830 एंड 840 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो 10 का जो डिफरेंस है नंबर्स में वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंस इन क्यूब रूट्स, क्या प्रोड्यूस करता है, तो माइनस कर देंगे 9.435 में माइनस कर देंगे 9.398। ओके, यहाँ माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.037। एंड हमें देखिए क्या करना है, हमें केवल 3 का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर आपको दिखना होगा कि 830 और 833 में क्या डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस निकालने पर इतना आ रहा है क्यूब रूट में डिफरेंस, तो 3 का डिफरेंस निकालने पर मतलब कि 3 यहाँ रहेगा तो कितना आएगा डिफरेंस, तो 3 पे निकाल लेंगे। तो यूनिटरी मेथड के अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 0.037 अपॉन 10 से पहले डिवाइड कर देंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है, आप जैसे सारे वीडियो में देखे होंगे इसके 21 के पहले वाले जो प्रॉब्लम्स थे, तो बिल्कुल समझ में आ रहा हो कैसे हो रहा है। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा 0. अब फाइनली फाइंड कर सकते हैं इसका क्यूब रूट। हैंस 833 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 830 प्लस 0.0111। तो 830 का आप जानते हैं 9.398 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 9.398 प्लस यहाँ पर आप ये इसको ऐड कर देंगे 0.0111। तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9.4091। ओके, जब राउंडिंग ऑफ करेंगे आप यहाँ पर ये फोर्थ प्लेस का जो डिजिट है उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो इसमें थर्ड प्लेस पर का जो डिजिट है उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, मीन्स 9.409 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं 22। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 34.2। तो पहले इसको हमें डेसिमल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में चेंज करना होगा, तो हम जानते हैं क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मिल जाएगा आपको 342 अपॉन 10 और उसको हम सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, तो मिलेगा आपको 342 क्यूब रूट ऑफ दिस अपॉन क्यूब रूट ऑफ 10। तो इनका अलग अलग निकाल करके हम कर लेंगे, लेकिन 343 का यदि हम करते हैं फैक्टराइजेशन तो देखते हैं क्या मिल रहा है आपको। 342 से करते हैं पहले, 202
171 का हो जाएगा 3 से डेफिनेटली, तो 3 से कटेगा तो 57 आएगा, फिर 3 से कटेगा यहाँ पर तो 19 आएगा, 93 जो होता है 57, ओके 19 जो है प्राइम नंबर है तो 19 में 19। देखिए यहाँ पर किसी भी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा, तो बिल्कुल ही इसको हम निकालेंगे अलग मेथड से, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, ओके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेथड। तो यहाँ पर 342 का पहले निकाल लेंगे, उसके बाद से 10 का तो पता ही कितना होता है, हम निकाल सकते हैं टेबल से डायरेक्टली, लेकिन इसका डायरेक्टली नहीं निकाल सकते टेबल से, सो हम यहाँ पर पहले इसको फाइंड कर लेंगे। तो सिंस हम जानते हैं कि जो क्यूब रूट की वैल्यू है 342 की, वो ग्रेटर होगी क्यूब रूट ऑफ 340 से, लेकिन लेस होगी क्यूब रूट ऑफ 350 से, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा ये। अब करना क्या है कि हमें हम ये जानते हैं, वी नो दैट, लिख लेंगे वी नो दैट, ओके तो हम जानते क्या है, वी नो दैट द डिफरेंस इन नंबर्स, जो नंबर्स में डिफरेंस होता है मतलब 340 और 350 में जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर डिफरेंस इन क्यूब रूट्स, इन दोनों के जो क्यूब रूट्स होंगे उनके डिफरेंस के, तो इन दोनों का क्यूब रूट भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ थोड़ा स्पेस, यहाँ पर हम क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं 340 और 350 का, तो आपको मिल जाएगा, देखिए 35 आपको देखना पड़ेगा, तो 340 का जो आपको मिल रहा है यहाँ पर 6.980, ये आपका एक वैल्यू हो गया 340, एंड 350 का हो जाएगा 7.047, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि 340 और 350 में कितना डिफरेंस है, आपका डिफरेंस है 10, तो 10 का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके क्यूब रूट्स के डिफरेंस के, तो क्यूब रूट का डिफरेंस कितना आएगा, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 7.047 माइनस ये हो जाएगा 6.980, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.067, ओके, लेकिन आपको फाइंड करना है केवल 2, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 है ना, 340 और 342 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना, तो यदि आप 2 का डिफरेंस निकालते हैं तो आसानी से इसमें ऐड करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो हम 2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं डायरेक्टली, तो 0. हो जाएगा 07 होल अपान, ये 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से कटेगा 2 5 10, और अच्छा ये 67 है, सॉरी 067, ओके, तो हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा यहाँ पर 0.0134, ओके। अब हम यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, तो सो क्यूब रूट ऑफ 342 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 340 प्लस इतना 0.0134, ठीक है, क्योंकि यही है 2 का डिफरेंस, ठीक है, 40 में यदि 2 जोड़ेंगे तभी तो आएगा आपका 342, और क्यूब रूट्स का जो 2 का डिफरेंस है वो हमने फाइंड कर लिया था यहाँ पर, तो 2 का डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा जो है 342 का क्यूब रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो 340 का वैल्यू आया था 6.980, इसको ऐड कर लेंगे 6.980 प्लस ये हो जाएगा 0.0134, यदि हम ऐड करते हैं आपको मिल जाएगा 6.9934, ठीक है। तो अभी ये आंसर आपका नहीं आया है, अभी क्या करना है कि आपको फाइंड करना है इतना, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा रूट 10 से, राइट, तो हैंस या लिख सकते हैं फाइनली द क्यूब रूट ऑफ 34.2 हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इक्वल टू हमने ऊपर लिखा हुआ था, इसको एक बार और लिख लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो होता है इतना अपान क्यूब रूट ऑफ 10, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है जो आपने निकाला था 6.9934, ठीक है, होल अपान क्यूब रूट ऑफ 10 कितना आया था, तो आप निकाल सकते हैं 2.154 मिलेगा आपको, जब डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली इतने वैल्यूज मिलेंगे 4 डिजिट तक 2467, और जो 7 की राउंडिंग ऑफ करेंगे क्योंकि आपको निकालना है केवल 3 डिजिट तक, तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3.247, ओके, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।